हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल पर आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहां पर मुझे एक ऑप्शन और मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से। एक यूट्यूब ने मुझे एक कस्टम यूआरएल चूज़ करने का एक ऑप्शन दे दिया है अपने चैनल के लिए। तो क्या होता है कस्टम यूआरएल, कैसे सेट करते हैं अपने चैनल पर, क्या इसे सेट करने से हमारे चैनल की सर्च रैंक बढ़ जाती है, क्या इससे कोई नुकसान है कस्टम यूआरएल सेट करने से, तो आज की इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है हिमांशु और ये चैनल है हिमटेक। इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि 97% लोग ऐसे आ रहे हैं हमारे चैनल पर जो चैनल को वॉच तो कर रहे हैं पर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, इसे सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं @हिमांशु_गोडियाल2। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली से जाना होगा अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर एंड होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपको चले जाना है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम पर एंड गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको अपने यूट्यूब वाले आइकन पर क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है एंड उसे यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका चैनल डेस्कटॉप मोड पर ओपन हो जाता है तो आपको अपने चैनल आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है। चैनल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है योर चैनल वाले ऑप्शन पर। योर चैनल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज चैनल का। कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपका चैनल सीधे ही यूट्यूब स्टूडियो में रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड यूट्यूब स्टूडियो में रिडायरेक्ट होने के बाद आपका चैनल सीधे चैनल कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपके चैनल का लेआउट, आपके चैनल की ब्रांडिंग एंड आपके चैनल का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आपको सिंपली बेसिक इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ आप शुरू में ही देख सकते हैं आपके चैनल का नेम एंड डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपके चैनल का एड लैंग्वेज, आप यहाँ पर एड लैंग्वेज कर सकते हैं एंड उसी के ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चैनल यूआरएल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चैनल का यूआरएल कैसे बिगड़ा हुआ सा है। चैनल का कोई नेम नहीं है सही सा, कुछ नहीं है, केवल UCIO ऐसे करके मेरे को यहाँ पर चैनल URL बना कर दे रखा है YouTube ने। तो इसी सब को सही करने के लिए और मेरे चैनल को सर्च रैंक पर लाने के लिए YouTube ने मुझे एक और ऑप्शन एनेबल कर दिया है कस्टम URL का, जो आपको यहाँ नीली पट्टी में दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे सिंपल से इस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया कस्टम URL पर, तो यहाँ पर एक नेम आ गया है मेरे चैनल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऊपर वाला जो था ये चैनल URL पुराना था, अब ये नया आ चुका है और यहाँ पर अब मेरे चैनल का जो URL हो चुका है वो चुका है www.youtube.com/c/hintech। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से आ चुका है और लोगों को सर्च करने में इसे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि अपने चैनल का कस्टम URL कैसे सेट करते हैं और चैनल को सर्च रैंक में लाने के लिए कैसे कस्टम URL सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा लीजिए और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बैठा हूँ, तो जाइए जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या यूज़र नेम सर्च कर लीजिए @हिमांशु_गोडियाल2। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।